नमस्कार दोस्तों जन मीडिया टी के खास प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब में आज हम हैं प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक विशिष्ट व्यक्ति हैं जो कि अपने बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं समाज में इन्होंने कई लोगों को जागरूक हमेशा अपने अपने लेवल पर करते रहते हैं हम इनसे ही से इनका संक्षिप्त परिचय जानते हुए चुनाव के मुद्दों पर बात करते हैं आपका हार्दिक स्वागत है जन मीडिया धन्यवाद जी अपना सर अपना संक्षिप्त परिचयों मैं आर के पांडे इफको फूलपुर मैं डिप्टी मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में हूँ और हमारे साथ बहुत से कामगार कारीगर हैं जो कि हमारे आसपास के गांव के किसान हैं आज वो इतने खुश हैं वो ये कहते हैं कि साहब ये आधार कार्ड से हमारा खाता लिंक होने से हमें सबसे बड़ी सुविधा ये हुई कि हमारे खाते में सीधा पैसा आता है और हम जो भी बीज लेना है खाद लेना है वो हम उस पैसे से अपना आराम से काम करते हैं आज हमको किसी बनिया से कर्ज नहीं लेना होता है ये एक बड़ी खुशी की बात है हमारे मोदी जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस कार्य के लिए जो बेचारे गरीब थे जो ब्याज ही भरते रह जाते थे उनके लिए बड़ी मुक्ति हुई और बड़े खुश हैं किसान गाँव में सड़कें बन गई हैं उन्होंने कभी सड़क उनके परिवार ने नहीं देखी थी वो खंजे पे गड्ढे में कुत्ते हुए साइकिलें चलाते थे आज वो ये कहते हैं कि साहब आज तो हम इतने आराम से आते हैं ड्यूटी कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं किसानों की बात कर रहे थे किसान एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है और बता रहे हैं कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है उससे किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं इस एरिया के खासकर अब हम अगर बात करें शहर उत्तरी की तो शहर उत्तरी में कई सारे प्रत्याशी हैं अनुग्रह नारायण सिंह चार चार बार आपके विधायक रहे अभी भी जो वित्तमान विधायक हैं हर्ष बा, हर्षवर्धन वाजपेयी जी ये भी एक टर्म पूरा कर चुके हैं तो कार्यों को अगर हम देखें कि कंपेरिजन करते हुए तो प्रत्याशी से आप किसको वेट देंगे और किसको एज देंगे इस चुनाव में हाँ ये सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हर्षवर्धन वाजपेयी जी को मैं नमस्कार कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके अंदर कितनी सरलता है कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिले तो लगता ही नहीं कि वो बहुत बड़े नेता हैं इतने प्रेम से बात करते हैं इतना मिल के बात करते हैं और उनके कार्य सीवर लाइन का पूरा हमारे उत्तरी क्षेत्र का उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया भाई किसी काम को करने में समय लगता है और समय नहीं मिलेगा तो काम अच्छा भी नहीं होगा अभी सड़कें हमारे इस इलाके की थोड़ी गड़बड़ हैं लेकिन वो भी हो जाएंगी क्योंकि सिवर लाइन के चक्कर में सब खुदी हुई थी तो इसकी वजह से है और जो कोरोना काल की स्थिति थी उसमें जो मैंने देखा कि सड़क पर किसी भी जो आज विपक्षी नेता बड़े कूद रहे हैं कोई एक नेता रोड पर नहीं दिखाई दिया कि हमको इस समय करना क्या चाहिए और हमारे वाजपेयी जी ने जिस ऑक्सीजन के लिए इन्होंने हंगामा मचाया था उसको इतने कम पैसे में हर हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया ये एक बड़ा सराहनीय कार्य है उनका पता नहीं कितने लोगों की जाने बची हैं इससे ये हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं इस कार्य के लिए और मैं पुनः चाहूँगा कि वो पुनः हमारे प्रत्याशी बन के आवें और, और अच्छा कार्य करें एक प्रत्याशी की बात हो जाती है लेकिन जब हम सरकार चुनते हैं तो उसमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि डक करके एक आम मतदाता को अपना सरकार चुनना चाहिए ठीक है तो अब अभी क्योंकि सात चरण में चुनाव है दो चरण की वोटिंग भी हो चुकी है तो जो एक आम मतदाता वोट करने जाएंगे तो सरकार की कौन सी ऐसी उपलब्धियाँ हैं या कमियाँ हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अपने सरकार के चयन कर सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमारी विरोधी पार्टियाँ सिर्फ लोगों को भड़का रही हैं और फड़काना सिर्फ इस बात का रोजगार नहीं है तो ये नहीं किया इन्होंने तो ये नहीं किया दुनिया भर के प्रपोगंडा कर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमारा देश सही रहेगा तो हम इस विषय पर चर्चाएं कर सकते हैं अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है तो हम नौकरी कहाँ से ले लेंगे हम जब यहां रहेंगे ही नहीं तो हम किस चीज का तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग नौकरी तो ढूंढ रहे हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज के लोगों की बच्चों की सबसे बड़ी ये परेशानी है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। नौकरी सरकारी ही चाहिए पढ़ाई में मन नहीं है पढ़ाई में गिने चुने लोग हैं और जो पढ़ाई वास्तव में कर रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है ये कहना गलत है कि नौकरी नहीं मिल रही है और मैं उन विरोधी पार्टियों से पूछता हूँ कि वो ये बतावें कि कौन सी नौकरी उन्होंने बहुत ईमानदारी से दिया है लोगों को पंद्रह लाख रुपए लेके लेखपाल की नौकरी दी गई है प्रमाण है ये ऐसा मतलब आप प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि मतलब जानकारी में है मेरे और नीचे सिपाही की भर्ती में आठ लाख रुपए वो भी एक विशेष वर्ग की भर्ती होती है उसमें जनरल में ब्राह्मण बाकी लोगों का कोई वो नहीं होता है अगर पैसा है आठ लाख तो आप करिए नहीं तो कोई मतलब नहीं है तो इस तरह की नौकरी का क्या मतलब है जो व्यक्ति उस अपने कार्य क्षेत्र में जाके अपना कार्य ही ना कर सके तो ऐसी नौकरी देने का और लेने का क्या अधिकार है तो जो आज ईमानदारी से नौकरियां मिल रही हैं उसमें फिर क्यों पार्टियां जो है इस तरह की बातें करती हैं कि ये पेपर लीक हो गया ये हो गया भाई लीक हुआ है तो हम उसको सही करेंगे ना क्योंकि लीक करने वाले भी तो वही लोग हैं पकड़े जा रहे हैं पकड़े जा रहे हैं वही लोग पकड़े जा रहे हैं पकड़े नहीं जाते थे पकड़े पकड़े नहीं जाते थे पकड़े नहीं जाते थे तो पंद्रह लाख बीस लाख आठ लाख लेके नौकरी दी जाती थी और सेटिंग रहती थी पहले से सब तो किस बात की आप नौकरी मांग रहे हो भाई या तो आप तैयारी करो तैयारी करोगे और जो तैयारी कर रहा है उसको नौकरी मिल रही है ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है ये कहना ही गलत है कि नौकरी नहीं मिल रही है तो पिछली सरकार सपा की भी सरकार रह चुकी है भाजपा रह चुकी है कांग्रेस भी उसके पहले रह चुकी है भाजपा भाजपा भी अब आ गई है तो अगर बिंदुवार हम बात करें तो कौन से मुद्दे हैं जिसपे कि लगता है कि वर्तमान सरकार पिछली सरकारों से बेटर कर? सबसे बड़ा तो हमारे प्रदेश का विकास आज हमारे ही मित्र जो यहाँ दस साल पहले रह के गए हैं कलकत्ता में है कुछ हमारे मित्र दिल्ली में है वो कुंभ मेले में आए तो वो बालसन चौराहे पर खड़े होकर हमको फोन कर रहे हैं कि भैया हम इस जगह पर खड़े हैं ये जगह कौन सी है पहचान ही नहीं रहते ही नहीं रहते उस जगह को तो मैंने कहा आप वहाँ कोई मूर्ति देख रहे हैं तो उन्होंने कहा हाँ एक मूर्ति बड़ी सी लगी है तो मैंने कहा आप वहीं खड़े रहो वो बालसन चौराहा है <laughs> तो हमारे प्रयाग का जो विकास हुआ है वो तो पूरी जनता देख रही है तो सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है अगर विकास है तो सब है अगर आज ये सड़कें चौड़ी ना होती तो इन सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल था गाड़ी घोड़ा तो दूर की बात है तो ये विकास तो सामने दिख रहा है आखिर जो हम लोगों का टैक्स कटता है उस टैक्स का सही सदुपयोग हो रहा है इस सरकार में, इस सरकार में हो रहा है महंगाई और बेरोजगारी उन बहुत सारा विपक्ष आरोप लगा रही है कि महंगाई तो इस पर कुछ बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे क्या विपक्ष के टाइम में महंगाई नहीं थी उसी सरकार के टाइम में नब्बे छियानबे रुपये लीटर पेट्रोल हो गया था क्यों हुआ था भाई आज उनके समय में तो कोई कोरोना नहीं आया था ना हमारे बिजनेस बंद हुए थे ना कुछ हुआ था फिर क्यों छियानबे रुपये किलो बिका लीटर बिका था पेट्रोल आज कोरोना काल में गवर्नमेंट ने जितना फ्री सेवाएं दी हैं अगर ये फ्री सेवाएं न मिलती तो आज देश की जनता का जो हश्र होता वो हम आप खुद ही नहीं देख सकते थे लेकिन सरकार की हिम्मत को हम दाद देंगे कि उसने उस पैसे का सही सदुपयोग किया कि लोगों को टीकाकरण समय से लोगों की व्यवस्था अगर लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी ये नहीं थी मैं उन्हीं सरकारों से पूछता हूं कि उन्होंने अपने समय काल में क्यों नहीं हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की थी पहले अगर ये व्यवस्थाएं पहले होती तो ये हाथ से होते ही नहीं तो आज तो हमारी सरकार ने व्यवस्था इतनी कर रखी है कि आज अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो उससे जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा जरूरत उपलब्ध है हमारे पास त्वरित कार्य त्वरित कार्यवाही हो सकती है तो ये सवाल क्यों उठाते हैं लोग वो अपने समय का भी तो बताएं कि उन्होंने कितने हॉस्पिटल खोल दिए थे और कितने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी इसका जवाब है उनके पास वो इसका जवाब दें हमको एक आम जनता जब वोट करने सत्ताईस तारीख को यहां पे जाएगा जी। तो किन चीजों को ध्यान रखे अपने वोट दे, दे, देते हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे सबसे बड़ी चीज है हमारे देश की सुरक्षा अगर हमारे देश की सुरक्षा है तो हम हैं और यही एक सरकार है जो हमारे देश की सुरक्षा कर सकती है हमको सुरक्षित रख सकती है आज हमारे देश के सिपाही बॉर्डर पर जिस तरह से लड़ाई लड़ते हैं आज वो जितने खुश हैं पहले कभी हमारा सिपाही इतना खुश नहीं रहा क्योंकि पहले वही सिपाही ईंटा खाता था और आदेश होता था कि नहीं तुमको गोली नहीं चलाना है तुम मर जाओ लेकिन गोली मत चलाना आज हमारा सिपाही ताल ठोक के वहीं गोली चलाता है और बोलता है कि अगर अगली बार करोगे तो पूरे घर को उजाड़ देंगे तो हम तो यही कहेंगे हमारे देश की सुरक्षा को पहले ध्यान में रखिए और इस बहुत मुद्दा है ये देश का अगर ये देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं तभी आपको नौकरी और खाना दाना आगामी भविष्य सब इसी पर निर्भर है इसलिए देश की सुरक्षा को देखते हुए ही आप चुनाव में वोटिंग करें और यही एक सरकार है जो देश की सही रूप में सुरक्षा कर सकती है हम माननीय मोदी जी को बहुत बहुत नमन करते हैं आज राफेल हमारे देश में आकर के आज उसने वो पैदा कर दिया है दुनिया दूसरे देशों के अंदर एक एम, एम, उनको बड़ा कष्ट हो गया उनको बड़ी डर भावना हो गई है राफेल को देखकर कि अगर विश्व युद्ध या कोई भी युद्ध होता है तो क्या हम इनसे लड़ पाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा को आप सुरक्षा कहते हैं प्राथमिक पैमाना प्राथमिकता है, है।, है। राष्ट्रीय सुरक्षा ही देखते हुए आप वोटिंग कीजिए मैं पूरी आम जनता से यही निवेदन करूंगा क्योंकि इस पार्टी के सिवाय कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखी है आज तक आप सुन रहे थे आर के पांडे जी को जिन जो कि अपने विभाग राय रखने के लिए मशहूर हैं और उन्होंने बड़ी बिंदुवार सिलसिलेवार बताया है कि एक सक्षम सरकार को चुनने के लिए क्या पैमाना होना चाहिए उम्मीद है हमारे दर्शक इन इन बातों का ध्यान में रखते हुए ही आगामी जो सत्ताईस तारीख को वोटिंग है उसमें सभी लोग अपने अपने मुद्दे को रखते हुए इस तरह की वोटिंग करेंगे प्रकाश मिश्रा जन मीडिया टी से कैम, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ धन्यवाद